हेलो दोस्तों, आज आप सीखने वाले हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, डिजिटल और मार्केटिंग। डिजिटल में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इस पर जो कंटेंट होता है, जो मार्केटिंग होती है, वो हमारी डिजिटली कहलाती है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसमें हमारी फिजिकल शॉप होती है, जहाँ कस्टमर आते हैं, सामान खरीदते हैं, लेकिन डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के अंदर जो लोग इंटरनेट पर फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को देखते हैं और वहां से वो लोग परचेज करते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि खरीदने के लिए मन बनाते हैं, उसके लिए हमको जो मार्केटिंग करनी पड़ती है उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो हम मार्केटिंग करते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। दूसरी चीज है इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर हम, मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें मार्केटिंग हमारी कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले मार्केटिंग समझना जरूरी है। अगर हम मार्केटिंग नहीं समझेंगे तो हम काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रह जाएगी हमारी चीज़ें। तो मार्केटिंग के अंदर क्या रहेगा कि जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमें आइडिया ऑफ बिजनेस एक तरीके की, वहाँ से हमारी मार्केटिंग शुरू होती है। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में पता करते हैं कि कंपटीटर, जो मेरा प्रोडक्ट है उसका कंपटीटर क्या काम कर रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे मार्केटिंग कर रहा है। मार्केटिंग बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊँगा। इसमें एडवर्टाइजिंग आ जाती है, पर्सुएशन आ जाता है, अपने कस्टमर को समझाना हो जाना किस तरीके से वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करे, प्लानिंग है, प्लानिंग का पार्ट इसके अंदर आता है, सेलिंग का पार्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमारी मार्केटिंग आती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये दोनों चीज़ें हैं। जो मार्केटिंग हम इंटरनेट पर करेंगे उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिजिटल गैजेट्स, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, वही हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए उपयोगी होते हैं, वो जरूरी होते हैं, उनके बिना हमारी डिजिटल मार्केटिंग होना संभव नहीं। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ डिजिटल सक्सेस। अगर हम अपने बिजनेस में डिजिटली सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, क्या ऐसा क्या है कि हम डिजिटली सक्सेस हो पाए, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो उसका आंसर है डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम के बिना हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। हमको पूरा अपना एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। आपके सामने एक स्लाइड है, एक इन्फोग्राफिक्स मैंने दिखाया है, यहाँ पर आपका अभी सारी चीज़ें देख रहे होंगे, यहाँ पर जैसे इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, वैल्यू, अभी आपके ये समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं जैसे धीरे धीरे आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आपको ये समझ में आने लगे। दूसरी चीज, हम बिजनेस करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको जरूरत होती है प्रॉफिट। आखिर प्रॉफिट, हर किसी को प्रॉफिट की जरूरत, बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं। तो प्रॉफिट आता कैसे? प्रॉफिट आता है सेल्स से। अगर सेल्स होगी, कस्टमर्स होंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो वहां से हमको प्रॉफिट मिलने वाला है। सेल्स, अगर हम इंटरनेट पर कोई चीज अपनी सेल कर रहे हैं तो सेल हो जाएगा तो हमको वहाँ से प्रॉफिट मिलने वाला है। कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ेंगे तब हमको प्रॉफिट मिलने वाला है। हमारे प्रोजेक्ट सेल होंगे तो हमको अपना प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन ये प्रॉफिट मिलेगा कैसे? ये मिलेगा हमारा डिजिटल दुकान, वेबसाइट। अगर हमारे पास हमारी वेबसाइट है तो हमको ये सारा कुछ मिलने वाला है, ये सब कुछ प्रॉफिट हमको मिलने वाला है। जो हमारी डिजिटल दुकान है, क्योंकि अगर फिजिकली भी हम बात करते हैं, फिजिकल शॉप की बात करते हैं, तो वहां पर भी हमको कस्टमर्स की जरूरत होती है। तो इस फिजिकल दुकान पर तो हम लोग कहीं होर्डिंग लगा देते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं, तो वहां से हमको लोग आना शुरू हो जाते हैं कि सेल लगी है या किसी भी तरीके से वहां पर आते हैं। लेकिन हमारी जो डिजिटल दुकान है, जो इंटरनेट पर हम दुकान ओपन करने वाले हैं, जो हमारी वेबसाइट है, उसके लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। उसके लिए हमें कैसे हमारे पास कस्टमर आए, कस्टमर आने का जरिया कैसे, मेरी वेबसाइट तक लोग आए कैसे, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें दो तरीके हैं, एक है SMM और एक होता है SEM। SMM कहलाता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग, और SEM कहलाता है मेरा सर्च इंजन मार्केट। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ें लिखी है, एक प्रमोशन और ऑफर्स। तो जब हमें प्रमोशन करना है अपने प्रोडक्ट का, तो हमें SMM करना होता है, जिसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, और एक होता है SEM, जिसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर हमको अपने एडवर्टाइजमेंट चलाने होते हैं, अपने पेड पैसा देकर
अपनी वेबसाइट तक लोगों को लाना होता है। इसी तरीके से SEM है, सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यहाँ पर हमको पेमेंट देकर अपने एडवर्टाइजमेंट चलाकर अपनी वेबसाइट तक लोगों को लाना होता है। तो ये दो तरीके हो गए, SMM और SEM। इसके बाद आता है हमारा कि हमारे कंटेंट और हम क्या वैल्यू दे रहे हैं अपने अपने कस्टमर्स को, उसके बेस पर हमारी वेबसाइट तक लोग आते। तो इसमें हमारा पहला आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, गूगल और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इसको ऑप्टिमाइज करना होता है, यानी इसमें हमें अच्छे से अच्छा कंटेंट डालना होता है। बिना कंटेंट के हमारे पास कस्टमर आने वाला नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट, एंगेजिंग कंटेंट हमारा होना चाहिए, जिससे कि हमारी वेबसाइट तक लोग आएं, वहाँ से इंफॉर्मेशन लें और हमारी वेबसाइट तक लोग आएं। तो गूगल पर SEO करना होता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट रैंक करे। रैंक करे तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली क्लासेस के अंदर बताऊंगा कि SEO कैसे होता है, गूगल पर वर्किंग कैसे होती है, SEO कैसे होता है, SMM कैसे होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। ये केवल आपका एक इकोसिस्टम है, इसमें आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है। जिस नाम से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, उसी नाम से आपका फेसबुक चैनल होना चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, ट्विटर पेज होना चाहिए, लिंक्डइन पेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट आप डाल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो वैल्यूज़ आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, वो ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिससे कि उसको लाभ होने वाला हो। हम उसकी हेल्प करने के मोड में अगर हम काम करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट 100% हमको प्रॉफिट देकर जाए। तो दोस्तों, ये मेरा इकोसिस्टम है, आप भी अपना इस तरीके से इकोसिस्टम बना सकते हैं। इसमें आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, आपकी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें क्या एक ही नाम से आपकी होनी चाहिए।